सदाबहार अदाकार और बीजेपी के साबिक रुकने पार्लियामेंट शत्रुघ्न सिन्हा ने आज कांग्रेस के हाथ को थाम लिया। कौमी दारुल हुकूमत दिल्ली में एक तकरीब में कांग्रेस लीडर रणदीप सिंह सुरजेवाला और दीगर कांग्रेस लीडरान ने शत्रुघ्न सिन्हा का कांग्रेस में इस्तकबाल किया। कांग्रेस में शमूलियत अख्तियार करने के बाद शत्रुघ्न सिन्हा ने कहा कि एक लंबे अरसे तक बीजेपी में ट्रेनिंग हासिल करते करते जद्दोजहद करते करते जमहूरी तरीके से आगे बढ़ते रहे, मगर अचानक रफ्ता रफ्ता तब्दीली आई और इस तब्दीली के आगाज में जो बातें मुशाहदे में देखने को मिल रही थी उसे देखकर उम्मीदें तो वाबस्ता हुई, मगर अचानक नाउम्मीदी के बादल छा गए। फिर यह हुआ कि लोकशाही तानाशाही में बदल गई। बीजेपी के सीनियर लीडरान को हाशिए पर रख दिया गया। भारतीय जनता पार्टी से ट्रेनिंग लेता हुआ आगे बढ़ता हुआ संघर्ष करता हुआ और सही मानों में लोकतंत्र या लोकशाही का पालन करता हुआ आगे बढ़ता गया कि अचानक फिर धीरे धीरे परिवर्तन शुरू हुआ और परिवर्तन के शुभारंभ में जो बातें देखने को मिली उससे बहुत उम्मीदें जगी, लेकिन हुआ ऐसा नहीं। और अंतोगत्वाग्र में संक्षेप में कहूँ आज की इस घड़ी में तो मैं ये कह सकता हूं कि लोकशाही को शनह